बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइरस सुमरो, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम जूनियर सेक्शन। टुडे वी विल लर्न अबाउट द टॉपिक प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर। यानी प्लेस वैल्यू का मतलब है कि किसी भी नंबर में मौजूद हर हिस्से की अपनी कीमत। लेट सपोज अगर हमारे पास एक नंबर है 113। अब 113 में अगर हम वंस, टेंस और 100 को अगर डिस्क्राइब करें तो कैसे करेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड, 3 बिकम्स वंस और यूनिट्स, 10 बिकम्स 1 एंड 1 बिकम्स अगेन 1 बिकम्स 100। यानी जो हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड से जो हमारा पहला नंबर होगा वो हमारा होता है वंस या यूनिट्स। कोई भी एक नंबर जो 0 से लेकर 9 तक कोई भी एक नंबर हो हमारे पास, वो वंस होते हैं। जब हमारे पास नंबर 9 से बढ़ जाते हैं तो वो टेंस हो जाते हैं, और वो टेंस के कैटेगरी में आते हैं, और वो टेंस से लेकर 99 तक हो गए हैं होते हैं। मोर देन 99 यानी 100 से लेकर 999 तक हमारे पास हंड्रेड्स में नंबर आ जाते हैं। नाउ कम टू एन अदर एग्जाम्पल। लेट सपोज अगर हमारे पास एक नंबर है 149। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है 149 को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिखते हैं? अब इसके अगर रिटन फॉर्म में अगर हम आ जाएं और इसको इनवर्स लिखें तो हम इसकी क्या लिखेंगे, स्पेलिंग लिखेंगे जो कि 149। सेकेंड इसकी जो फॉर्म है वो है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर के यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड को सेपरेट करते हैं। हमारे पास जो नंबर है वो है 149 में हमने 9 को सेपरेट किया जो हमारी पोजीशन वंस या यूनिट पे था। देन हमारे पास था 4 की जो हमारी पोजीशन है इस नंबर में वो है टेंस पे। इट मीन्स हमारे पास 4 टेंस हैं। 4 टेंस मीन्स 40। देन हमारे पास है 100। अब 9 प्लस 40 प्लस 100, इट बिकम्स 149। अगर मैं आपको इसका एक और एग्जांपल यानी मॉडल फॉर्म पेश करूं तो क्या होगा? हम ब्लॉक्स की सूरत में आपको समझाएंगे। इट बिकम्स 9 ब्लॉक्स आप ले लें जो हमारे पास हैं यूनिट्स या वंस। अब देखें टेंस, हमारे पास जो टेंस की कैटेगरी है उसमें 10 के हमारे पास 4 पेयर मौजूद हैं, 4 लाइंस मौजूद हैं। 9 देन 40 क्या हो गया, 4 हमारे पास 10 के लाइंस। देन हमारे पास 10 के 10 लाइन मौजूद हैं, सो इट बिकम्स 100। हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, 149। फोर्थ वन और लास्ट वन एग्जैक्ट जो एग्जांपल है वो ये होगा, अगर हम वंस को अलग करें, 4 बिकम्स टेंस और 1 बिकम 100, 149। स्टूडेंट्स आइए अब इस टॉपिक से मुतालिक हमारे बुक की जो एक्सरसाइजेज हैं उनकी तरफ चलते हैं।